शहर की वार्ड संख्या 32 चांगचित्ता रोड द्रिदासपुरा में रिमास करने वाले लोगों ने क्षेत्र में डेली कैफे के नाम से संचालित दुकान में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहने और असामाजिक तत्वों द्वारा क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने और लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर क्षेत्र के निवासियों ने रिगरान समाज रेदासपुरा संस्था ब्यावर के जो पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उनके नेतृत्व में क्षेत्र के निवासियों ने सीडी थाना स्थित डिप्टी कार्यालय पहुंचकर रोष प्रकट किया है। साथ ही क्षेत्र में पनप रही गुंडागर्दी पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर डिप्टी मनीष सिंह चौधरी को ज्ञापन भी सौंपा। डिप्टी चौधरी को दिए गए ज्ञापन में क्षेत्रवासियों ने बताया है कि क्षेत्र में डेली कैफे के नाम से चाय कॉफी की दुकान का संचालन है, जहां पर हर समय असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, जो कि वहां से गुजरने वाली महिलाओं को परेशान करते हैं। साथ ही स्थानीय लोगों के साथ भी गुंडागर्दी होती है। ज्ञापन में यह बताया गया कि दुकान रात करीब 2 से 3 बजे तक संचालित होती है, जहां पर असामाजिक तत्व क्षेत्र का माहौल बिगाड़ते हैं। क्षेत्रवासियों ने यह भी बताया कि असामाजिक तत्वों को क्षेत्र के निवासियों द्वारा काफी समझाने के बाद भी असामाजिक तत्व बेखौफ होकर क्षेत्र में दहशत फैला रहे हैं। ज्ञापन में क्षेत्रवासियों ने डिप्टी मनीष चौधरी से क्षेत्र का निरीक्षण कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन में क्षेत्रवासियों ने क्षेत्र में आतंक फैला रहे असामाजिक तत्वों के नाम भी बताए हैं। इनमें दिनेश पुत्र नौरत तुंगरिया, सुभाष पुत्र अमरचंद खोरवाल, मुकेश पुत्र भवर चोरटिया, कुलदीप पुत्र ज्ञानचंद बोहरा, रोहित उर्फ जग्गा पुत्र महेंद्र बोहरा आदि शामिल बताए गए हैं। ज्ञापन देने वालों में चेतन भट्ट, धीराराम प्रताप, ब्रजराज बोहरा, सूरज भट्ट, नौरत तुंगरिया, कैलाश तुंगरिया, विनोद पृथ्वीराम शुक्लाल, भरत सुबासिया, सुंदरलाल रतनलाल, सुनीता देवी, इंदिरा देवी, सविता चौथमल और सूरजमल आदि क्षेत्रवासी भी शामिल रहे। समाज में से व्यवहार हो रहा है कि जो लड़कियां निकलती है उसको मारे मतलब छेड़छाड़ करते हैं। दूसरी बात है कभी मेरे भाई पागल है उसको मारपीट कर देते हैं। हम परेशानी अगली बार पहले भी बताई थी, मैं एक दो बार रात को भी आई थी लेकिन मैं सुनाई नहीं हुई। फिर मैंने अपने अध्यक्ष साहब को कहा था, पूरे मोहल्ले को भी कहा था कि चलो अपने अपनी समस्या अपने यहाँ पे आके कहें ताकि हमारी समस्या का होल कर सोल्व करें। ये हमारे ये कोई दुकान है परचूने की, जो इसकी केपेड़ की दुकान बताती है, जो उनके यहाँ पर कोई ताश खेलते हैं या लोपर वाल्टी जो भी है रात की 10 बजे तक वहाँ बैठे रहते हैं। और कोई भी हमारे हम मोहल्ले वाले को कहते हैं तो मोहल्ले वाले का आपस में या विवाद हो जाता है या फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। फिर हम कहने के भी औरत भी क्या बोले, औरत को फिर छेड़खानी करते हैं। वैसे औरतें परेशान होती है, काम धंधा करके आती है, मजदूरी करती है, दिन भर काम धंधे से परेशान होकर बच्चों को संभाले या उनकी लड़ाई झगड़ों में आपस में वेर करें। ये वार्ड नंबर 32 का मामला है। यहाँ पर एक कैफे संचालित है और यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। ना हमारे मोहल्ले की महिला आ जा पाती है, ना यहाँ के अन्य लोग यहाँ पर आ जा पाते हैं। असामाजिक तत्वों ने अपना इतना दहशत बना रखा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनका जीना दुश्वार कर दिया। इसी उपलक्ष्य में हम श्री पुलिस अधीक्षक साहब को ज्ञापन देने आए, ऐसे गुंडों पर सख्त कार्रवाई करें और हमें इस मुसीबत से निजात दें। रेडीमेड कपड़ों की दुनिया में एक नया धमाका, HOMT अल्टीमेट चॉइस लाए हैं एक नया भव्य फैमिली गारमेंट शोरूम अल्टीमेट फैशन, जहां पाएंगे फुल ब्रांडेड फैमिली गारमेंट शोरूम, मेंस वियर, गर्ल्स वियर, किड्स वियर की विशाल रेंज, स्पेशल इंपोर्ट ब्रांड जर्मनी के लेटेस्ट कलेक्शन के साथ। तो आज ही चले आए अपने परिवार के साथ अल्टीमेट फैशन फैमिली क्लॉथ स्टोर, नवका एक्वायर सिटी सिनेमा के सामने, स्टेशन रोड ब्यावर। मोबाइल नंबर 8619611431, 9626739781। संबंधित फर्म अल्टीमेट चॉइस सिटी थाने के सामने, भगत चौराहा, ब्यावर।